खास सरकारी नौकरी को देख के देखे, लेकिन 10 लाख रोजगार की जो ऐसी व्यवस्था। पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने यह घोषणा की थी कि उनकी सरकार बनते ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक से ही 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इस घोषणा के मुकाबले रोजगार के क्षेत्र में बिहार सरकार की रफ्तार 100 दिन चले अढ़ाई कोस वाली है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज कहा है कि 1,70,000 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। सहकारिता विभाग के 200 बाबुओं को बहाली के कागजात बांटने के साथ तेजस्वी ने रुपले पर्दे पर लाखों खाली स्थानों की झांकी दिखलाई। बिहार के स्वास्थ्य में भी कुल मिलाकर 1,60,000 खाली स्थानों पर बहाली की जाएगी। इसके बाद पुलिस और गृह विभाग में 75,000 खाली स्थानों पर बहाली की जाएगी। तेजस्वी यादव ने सहकारिता विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी की उपस्थिति में बाबू वर्ग के 200 पदों पर बहाली की घोषणा की है। उन्होंने इसी आयोजन में 15 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया है। 10 लाख की बहाली और अन्य 10 लाख के लिए अवसर बनाए जाने की घोषणा की गई है। बिहार में सरकारी नौकरियों का स्थान रिक्त है ही, यहाँ लाखों लाख रोजगार के अवसर अब भी हो सकते हैं। रोजगार के साथ विकास की ऐसी योजना पर काम करना जरूरी है जो रोजगार पैदा करने वाला हो। जानते चलते हैं कि बिहार में स्वरोजगार के लिए उद्योग विभाग के 65,000 लोगों के लिए आवेदन की स्क्रूटनी की गई थी, परंतु इसके बाद सरकार ने लॉटरी लगाकर केवल 8,000 लोगों को इसके लिए चुना। बिहार के नदी जल संसाधन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में हर जगह संभावना है। रोजगार का माहौल बनाना और केंद्र सरकार को भी रोजगार देने के वादे को याद दिलाना बिहार को अपनी जरूरत है और चाहिए। देखते रहिए विमर्श न्यूज़, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।